अयोध्या में आज भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर का उद्घाटन हो गया। सबसे पहले आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के पीछे एक विशाल जन आंदोलन भी था। इस आंदोलन से कई बड़े नाम जुड़े जिन्होंने मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रयास किया कि राम लला का मंदिर ना बन पाए। आज हम अयोध्या राम मंदिर से जुड़े 36 ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिनके बगैर राम मंदिर की कहानी अधूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं, परंतु सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। तो हमारे 36 महत्वपूर्ण लोगों में सबसे पहला नाम आता है मीर बाकी का। मीर बाकी बाबर का सेनापति था, हम सभी जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 1528 में बाबर के कहने पर अयोध्या में रामलला के मंदिर को विध्वंस करके बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने ही करवाया था। बाबरनामा में इसको बाकी ताशकंदी के नाम से उल्लेख किया जाता है इसके बारे में, और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि 1529 में बाबर ने इसे अपनी सेना से बाहर निकाल दिया था, जबकि बाबरनामा में ऐसा जिक्र है कि 1529 में बाबर ने इसे छुट्टी पर भेज दिया था। मीर बाकी के बाद दूसरे शख्स आते हैं फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन एक ब्रिटिश सर्वेयर थे जिन्होंने 1813-14 में अपनी एक सर्वे रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें इन्होंने अयोध्या के बाबरी मस्जिद का सर्वेक्षण किया था। और इस रिपोर्ट में इन्होंने सबसे पहली बार इस बात का जिक्र किया था कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की दीवार पर एक शिलालेख मिला है जिसमें इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा गया है। हमारे अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं महंत रघुबर दास। महंत रघुबर दास बाबरी मस्जिद के बाहर जिस चबूतरे पर रामलला की पूजा हुआ करती थी उसी चबूतरे के पुजारी थे, और 1885 में महंत रघुबर दास ने पहली बार मंदिर निर्माण के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि अंग्रेजों ने इनकी इस याचिका को बिल्कुल खारिज कर दिया था, लेकिन महंत रघुबर दास के इसी याचिका के बाद कानूनी लड़ाई का रास्ता खुला था। परमहंस रामचंद्र दास जी का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे प्रभु श्री राम लला की मूर्तियां मिली। उस समय परमहंस रामचंद्र दास जी अयोध्या में हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष थे। उसके बाद जीवन पर्यंत ये राम लला मंदिर अभियान से जुड़े रहे। 1950 में इन्होंने फैजाबाद सिविल कोर्ट में पूजा के अधिकार को लेकर के एक केस भी दायर किया। 1990 में अयोध्या में कार सेवकों को जुटाने में परमहंस रामचंद्र दास जी का अपना महत्वपूर्ण योगदान था। इसके पश्चात 31 जुलाई 2003 को 92 साल की उम्र में रामचंद्र दास जी का निधन हो गया। आज वे जहां कहीं पर भी होंगे प्रभु श्री राम लला के मंदिर को देखकर खुश हो रहे होंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं महंत अभिराम दास। 1949 में जब बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे प्रभु श्री राम लला की मूर्ति मिली थी, तो जो FIR दर्ज हुई थी उस FIR में महंत अभिराम दास का भी नाम था। महंत अभिराम दास मूलतः बिहार के दरभंगा के रहने वाले थे, और दरभंगा से भागकर वो अयोध्या में आ गए थे और रामलला मंदिर अभियान से जुड़ गए थे। महंत अभिराम दास के कुछ शिष्य थे, उन शिष्यों को वो अपने सपने के बारे में बताया करते थे कि प्रभु श्री रामलला उनके स्वप्न में आकर अपने जन्म स्थान के बारे में उन्हें बताते हैं, और बताते हैं कि बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही प्रभु श्री रामलला का जन्म स्थान है। 23 दिसंबर 1949 की सुबह जब इनके शिष्य बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे पहुंचते हैं तो वहां वास्तव में ही प्रभु श्री राम लला की मूर्तियां उनको मिलती है, और वहां से शुरू होता है प्रभु श्री राम लला के पूजन का कार्य। गोपाल सिंह विशारद जी परमहंस रामचंद्र दास जी के साथी थे। गोपाल सिंह विशारद जी ने रामलला के दर्शन और पूजन के व्यक्तिगत अधिकार पर 1950 में फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, और ये राम मंदिर विवाद के शुरुआती 4 सिविल मुकदमों में से एक था। 1986 में विशारद जी का निधन हो गया, और इनके निधन के पश्चात जो इनके पुत्र हैं श्री राजेंद्र सिंह जी, वो केस की पैरवी करते रहे।
1949 में जब बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे प्रभु श्री राम लला की मूर्तियां पाई गई, उस समय फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे श्री के नायर साहब। राज्य सरकार ने और पंडित नेहरू की सरकार ने के नायर साहब के ऊपर बहुत दबाव बनाया कि बाबरी मस्जिद के प्रांगण से प्रभु श्री राम लला की मूर्तियों को हटा लिया जाए और हिंदुओं को वहां से हटा दिया जाए, परंतु के नायर साहब ने साफ इनकार कर दिया कि बाबरी मस्जिद के प्रांगण से अभी हम राम लला की मूर्तियों को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने वहां पर पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ चालू कर दिया है। इसके बाद पंडित नेहरू की सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस जीतकर ये पुनः फैजाबाद के DM बने, परंतु 1952 में इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और फिर जनसंघ में शामिल हो गए। जनसंघ के टिकट से ही ये बहराइच के सांसद बने। 7 सितंबर 1977 को के नायर साहब का देहांत हो गया। वो भी आज जहां होंगे प्रभु श्री राम लला के मंदिर को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होंगे। देवराहा बाबा को हम सभी जानते हैं, हालांकि उनका जन्म स्थान और जीवन हमेशा से ही एक रहस्य का विषय बना रहता है, परंतु कुछ लोग मानते हैं कि देवराहा बाबा उत्तर प्रदेश में देवरिया के पास सरयू नदी के तट पर रुका करते थे। उनके अनुयायियों में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शामिल थे। देवराहा बाबा ने जनवरी 1984 में प्रयागराज के कुंभ में धर्म संसद की अध्यक्षता की थी। इसी धर्म संसद में ये फैसला लिया गया था कि 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी शिलान्यास के संबंध में देवराहा बाबा से सलाह मशवरा करने के लिए गए, तो देवराहा बाबा ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी से कहा था, बच्चा हो जाने दो। मोरोपंत पिंगले नागपुर निवासी थे। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से इन्होंने स्नातक पास किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और ये एक प्रमुख रणनीतिकार थे रामलला मंदिर अभियान के, और हमेशा पर्दे के पीछे से ही काम किया करते थे। जो भी प्रमुख यात्राएं हुई, चाहे आडवाणी जी की रथ यात्रा हो या 1989 की शिला पूजन का जो कार्यक्रम था, वो सभी कार्यक्रम की रूपरेखा पिंगले साहब ने ही बनाई थी। और उसी कार्यक्रम के तहत अयोध्या में 3 लाख से अधिक ईंटें मोरोपंत पिंगले साहब ने भिजवाई थी। हमेशा पर्दे के पीछे से ये काम किया करते थे और 1980 के दशक में मंदिर आंदोलन के निर्माण के लिए एक प्रमुख रणनीतिकार थे। अगले हमारे महत्वपूर्ण शख्स आते हैं, महंत अवैद्यनाथ जी। अवैद्यनाथ जी राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 1980 के दशक के मध्य में स्थापित राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष थे। वह एक अन्य प्रमुख संगठन राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष भी थे, जिसने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महंत अवैद्यनाथ जी का बचपन का नाम था श्री कृपा सिंह बिष्ट जी, और उत्तर प्रदेश में गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजय नाथ के जब ये अनुयायी बने तो 1940 में इन्होंने संन्यास अपनाया और उसके बाद इनका नाम हो गया महंत अवैद्यनाथ। अगले हमारे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं स्वामी वामदेव जी। स्वामी वामदेव जी एक मृदुभाषी तपस्वी थे, जिन्होंने गोरक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था। वामदेव जी ने 1984 में जयपुर में एक अखिल भारतीय स्तर की संतों की बैठक बुलाई थी। 15 दिनों तक चले इस बैठक में संतों ने इस बात पर परिचर्चा करी थी कि अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर को किस तरीके से बनवाया जाए और उसके कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करी थी। 1990 में जब अयोध्या में कार सेवक आने लग गए थे, तो उन कार सेवकों को इकट्ठा करने में स्वामी वामदेव जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनके कुछ कार सेवकों के ऊपर गोलियां भी चली थी। उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और मुलायम सिंह जी की सरकार ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उसमें कुछ इनके जो जानकार कार सेवक थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, तो बहुत अधिक वृद्ध थे स्वामी वामदेव जी, उसके बावजूद अयोध्या में मौजूद थे।
हमारे अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री चंद्र दीक्षित जी। दीक्षित जी 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे। 1982 से लेकर 1984 तक दीक्षित जी उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के पद पर रहे और सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन कर लिया और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष बने। अयोध्या में कार सेवकों के आंदोलन की रणनीति बनाने से लेकर के विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जमीनी अभियानों की रूपरेखा दीक्षित जी ने ही तैयार करी थी। 1990 में अयोध्या में कार सेवा के दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने के कारण दीक्षित जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 1991 में दीक्षित जी भाजपा के टिकट पर वाराणसी के सांसद बने, जहां से सांसद अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री विष्णु हरि डालमिया जी। विष्णु हरि डालमिया जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योगपति थे जो कि रामलला के मंदिर अभियान से भी जुड़े रहे। 1992 से लेकर 2005 तक विष्णु हरि डालमिया जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे और ये भी हमेशा पर्दे के पीछे से ही काम किया करते थे। 1985 में जब श्री राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना हुई थी तो उन्हें तो विष्णु हरि डालमिया जी को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया था और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद डालमिया जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दाऊ दयाल खन्ना जी। राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के महासचिव के रूप में दाऊ दयाल खन्ना जी ने आंदोलन की जमीन तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के नेता थे और 1960 के दशक में जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उसमें ये स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, परंतु राम मंदिर के लिए ये हमेशा मुखर रहे और सामाजिक तौर पर भी ये राम मंदिर के पक्ष में बोला करते थे। 1983 में एक सार्वजनिक बैठक में अयोध्या, मथुरा और काशी में मंदिरों के पुनर्निर्माण का मुद्दा इन्होंने उठाया था। राम जन्मभूमि आंदोलन को पुनर्जीवित करने में खन्ना जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सितंबर 1984 में इन्होंने बिहार के सीतामढ़ी में इस आंदोलन की पहली यात्राओं में से एक उसका नेतृत्व किया था। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कोठारी बंधु, जिनको हम सभी लोग जानते ही हैं। राम कुमार कोठारी और शरत कुमार कोठारी ये दोनों भाई थे जो अक्टूबर 1990 में कार सेवा के लिए कोलकाता से अयोध्या आए थे। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के पहले बैच के सदस्यों के रूप में अयोध्या में कार सेवा में इन्होंने भाग लिया। दो दिन बाद 2 नवंबर को जब वे कार सेवा कर रहे थे तो पुलिस ने उन दोनों को बहुत करीब से गोली मार दी और उनकी हत्या हुई। जब इनकी हत्या हुई तब राम कोठारी जी की उम्र थी 23 वर्ष और शरद सिर्फ 20 वर्ष के थे। कोठारी बंधुओं की हत्या से देश भर के हिंदुओं में आक्रोश फैल गया था और उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन के नायकों और शहीदों के रूप में माना गया। 1990 के दशक में मौतों ने बड़ी संख्या में युवाओं को राम जन्मभूमि आंदोलन की ओर आकर्षित किया था। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री देवकी नंदन अग्रवाल जी। राम मंदिर के लिए किए गए कानूनी संघर्षों को देवकी नंदन अग्रवाल जी ने एक नई दिशा ही दे दी थी। उनके एक सुझाव ने केस जीतना और उसके बाद भूमि अधिग्रहण और मंदिर निर्माण कार्यों को बहुत ही सरल कर दिया। देवकी नंदन जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज थे और सेवानिवृत्ति के बाद अपना पूरा जीवन मंदिर निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करने में लगा दिया। जब मंदिर को लेकर फैजाबाद के सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो हिंदू पक्ष के पास सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मंदिर का पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। दरअसल जो पक्षकार मुकदमा लड़ रहे थे उनका मंदिर से प्रत्यक्ष रूप से कोई जुड़ाव नहीं था। ऐसे में जस्टिस देवकी नंदन ने ही वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण गुप्ता को रामलला विराजमान को ही पक्षकार बनाने का सुझाव दिया। यानी रामलला विराजमान ही इस केस में अगर एक पार्टी बन जाए तो हमारी समस्या का हल हो जाएगी। उनकी ये बात मानी गई और रामलला खुद इस केस में एक पक्षकार बन गए। इस तरह इन्होंने जो कानूनी पक्ष की चुनौतियां थी उनको ख़त्म किया और देवकी नंदन अग्रवाल जी खुद कोर्ट में रामलला के मित्र के रूप में रामलला को रिप्रेजेंट करते रहे। अगले हमारे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज,
जिनकी एक गवाही ने कोर्ट में रामलला के पूरे केस को ही बदल के रख दिया। पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपने जन्म के 2 वर्ष के भीतर ही अपनी दोनों भौतिक नेत्रों को खो दिया था। ये कुछ भी देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ब्रेल लिपि का भी इनको कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी इन्होंने सुनकर ही कंठस्थ कर लिए हैं। ये प्रभु श्री राम लला का इनके ऊपर कृपा ही है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था तो मुस्लिम पक्ष ने ये सवाल उठाया कि अगर बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा है तो तुलसीदास ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। हिंदू पक्ष के लिए उस समय संकट खड़ा हो गया था, लेकिन तब श्री राम भद्राचार्य जी महाराज इस समस्या के समाधान बने। 15 जुलाई 2003 को इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवाही दी और जज साहब को तुलसीदास के दोहाष्टक में लिखा गया दोहा सुनाया, जिसमें कहा गया है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को नष्ट किया था। जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में भी अयोध्या में श्री राम मंदिर के होने के 441 सबूत दिए थे। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट को बताया कि श्री राम के जन्म की जानकारी वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक से मिलती है, यह सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम के जन्म स्थान का उल्लेख किया गया है। इससे पहले अथर्ववेद के 10वें कांड में स्पष्ट कहा गया है कि 8 चक्रों और 9 मुख्य द्वारों वाली श्री अयोध्या ही श्री राम का निवास है। इन्होंने सरयू से श्री राम मंदिर की कितनी दूरी है, किस दिशा में श्री राम मंदिर था, सब कुछ कोर्ट को बताया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में श्री राम भद्राचार्य जी की गवाही का उल्लेख भी किया है। और जज ने खुद ये बात बोली थी कि मैं अचंभित हूँ कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको इतनी सटीक जानकारी कैसे है। राम भद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में जिन जिन ग्रंथों का उल्लेख किया था, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने उन सारे ग्रंथों को अपने पास मंगवाया और पढ़ा, तो इन्होंने जिस पृष्ठ पर जो श्लोक बोले थे वो श्लोक वहां पर लिखे गए थे। तो ऐसे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। ये अभी जब आज श्री राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हो रहा था तो उस प्रांगण में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज भी वहां पर उपस्थित थे। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं महंत श्री नित्य गोपाल दास जी। मंदिर आंदोलन में सक्रिय महंत नित्य गोपाल दास का जन्म 11 जून 1938 को मथुरा के कहौला में हुआ था। 1990 में कार सेवकों का इन्होंने नेतृत्व किया। जनवरी 2002 में अयोध्या से दिल्ली तक चेतावनी संत यात्रा निकाली। 85 साल के महंत श्री नित्य गोपाल दास जी अभी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं श्री चंपत राय जी, जिनको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आज आपने देखा होगा। 1946 में यूपी के बिजनौर में जन्मे चंपत राय जी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। संगठन के प्रचारक के तौर पर मंदिर आंदोलन को खड़ा करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं और राम मंदिर निर्माण का एक प्रमुख चेहरा है। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला था और प्रभु श्री राम लला की पूजा की अनुमति मिली थी, उस समय केंद्र में राजीव गांधी जी की ही सरकार थी। 1986 में राजीव गांधी ने ही गर्भगृह का ताला खोलने का आदेश दिया था। उस वक्त उनकी सरकार साहबानो केस में मुस्लिम कट्टरपंथियों का पक्ष लेने के आरोप झेल रही थी और ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं को साधने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। 21 मई 1991 को श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मुलायम सिंह यादव जी। 1990 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के आदेश पर 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें कोठारी बंधुओं समेत कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। अगले चुनाव में उनकी को अपने इस फैसले की वजह से उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी और उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने थे
स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया था। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री अशोक सिंघल जी, विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक थे अशोक सिंघल जी। वाजपेयी सरकार के दौरान इन्होंने मंदिर की मांग पर आमरण अनशन किया था और ये आमरण अनशन पर बैठ गए थे। बाबरी ढांचे के टूटने पर जो दर्ज FIR की गई थी उसमें अशोक सिंघल जी का भी नाम था। 17 नवंबर 2015 को 89 साल की उम्र में अशोक सिंघल जी का देहांत हो गया था। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही 25 सितंबर 1989 को मंदिर के लिए अपनी रथ यात्रा की शुरुआत करी थी। बाबरी ढांचा टूटने के बाद जो FIR दर्ज हुआ था उस FIR में लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम है। अभी फिलहाल ये 96 वर्षों के हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मार्गदर्शक मंडल है उसका हिस्सा है। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री प्रमोद महाजन जी, जिनको लाल कृष्ण आडवाणी का चाणक्य भी कहते थे। RSS का जो मराठी अखबार है तरुण भारत, उसके ये उप संपादक रहे। 1974 में ये RSS के संघ प्रचारक बने और लाल कृष्ण आडवाणी शुरुआत में अपनी एक पदयात्रा करना चाह रहे थे, कहाँ से, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक। लेकिन प्रमोद महाजन जी ने ही उनको ये सुझाव दिया कि वो पदयात्रा ना करके रथ यात्रा निकालें। प्रमोद महाजन जी की उन्हीं के भाई प्रवीण महाजन ने 3 मई 2006 को हत्या कर दी थी। अगले महत्वपूर्ण शख्स हैं श्री मुरली मनोहर जोशी जी। मुरली मनोहर जोशी मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा जब टूटा था उस समय वो वहीं पर परिसर के नज़दीक ही मौजूद थे। फिलहाल 90 वर्ष के मुरली मनोहर जोशी जी भाजपा के मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा हैं। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्री PV नरसिम्हा राव जी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा उस समय केंद्र में PV नरसिम्हा राव जी की ही सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री थे श्री PV नरसिम्हा राव जी। एक पत्रकार हैं कुलदीप नैयर जी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि मेरी जानकारी है कि जब कार सेवक ढांचा ढहा रहे थे तब नरसिम्हा राव पूजा में बैठे थे और वे वहां से तभी उठे जब ढांचे का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। तो नरसिम्हा राव जी के ऊपर ये आरोप लगा करता है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़वाने में मौन स्वीकृति नरसिम्हा राव जी की भी थी। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बाबूजी कल्याण सिंह, जिनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। जब 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी। जिन 13 लोगों के ऊपर ढांचा गिराने की साजिश में शामिल होने का मुकदमा दर्ज था उन 13 लोगों में से एक थे बाबू श्री कल्याण सिंह जी। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा उस समय उसकी सारी नैतिक जिम्मेदारी बाबू कल्याण सिंह जी ने अपने ऊपर ले ली थी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनकी सरकार को बर्खास्त करके उसी दिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया था। जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ना चालू किया उस समय इन्होंने प्रशासन को सख्त आदेश दिया था कि गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, कार सेवकों की हत्या नहीं होगी। 21 अगस्त 2021 को श्री कल्याण सिंह जी का देहांत हो गया। अगले हमारी जो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं वो हैं सुश्री उमा भारती जी। मंदिर आंदोलन के दौरान उमा भारती जी मुख्य वक्ताओं में एक थी। लिब्राहन आयोग ने उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगाया है। 2003 से 2004 के बीच ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही। अभी हालांकि भाजपा में ये राजनीतिक हाशिए पर चल रही हैं। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। जो आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी तो उस रथ यात्रा के सारथी थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 90 के दशक में मोदी जी भाजपा के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की जो एकता यात्रा हुई थी उसके संयोजक भी थे और बतौर प्रधानमंत्री ये इन्होंने आज श्री राम मंदिर की का उद्घाटन किया है और प्रभु श्री राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी ने ही करी है। अगले हमारे जो महत्वपूर्ण शख्स हैं वो हैं जज कर्नल चैमियर।
तो जब 1985 में महंत रघुवर दास जी ने फैजाबाद के सेशन कोर्ट में केस दायर किया था पूजा के अधिकार को लेकर, उसमें वहाँ के जज थे कर्नल चैमियर। हालांकि इन्होंने महंत रघुवर दास की उस याचिका को खारिज कर दिया था, परंतु सैद्धांतिक रूप से ये माना था कि मस्जिद को हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनाया गया है। आगे देखते हैं जज एस के यादव के बारे में। तो सीबीआई कोर्ट के जज थे एस के यादव जी, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को बाबरी ढांचा गिराए जाने वाले सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। रिटायरमेंट के बाद यूपी सरकार ने उन्हें उप लोकायुक्त भी बनाया है। अगले हमारे महत्वपूर्ण शख्सियत है जस्टिस रंजन गोगोई जी। जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले पर फैसला देने वाली 5 जजों वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता की थी। 17 नवंबर 2019 को सीजेआई के पद से रिटायर हुए और 4 महीने के बाद ही राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत किया था। अगले हैं जस्टिस एस ए बोबड़े जी। अयोध्या पर बनी संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जस्टिस रंजन गोगोई के बाद भारत के 47वें चीफ जस्टिस बने थे। 23 अप्रैल 2021 को रिटायरमेंट इनकी हुई और रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबड़े महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर हैं। अगले हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी। अयोध्या पर बनी जो संविधान पीठ थी उसमें जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भी उसके सदस्य थे और सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। फिलहाल जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के मौजूदा सीजेआई हैं। अगले हैं जस्टिस अशोक भूषण। अयोध्या संविधान पीठ में चौथे जज थे जस्टिस अशोक भूषण जी। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2021 को रिटायर हुए थे। 4 महीने बाद ही नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बना दिया गया। अयोध्या संविधान पीठ के 5वें जज थे जस्टिस एस अब्दुल नजीर जी। जस्टिस नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में भी शामिल थे। जनवरी 2023 में ये रिटायर हुए और 1 महीने बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था। तो मित्रों, ये थी वो 36 शख्सियतें जो किसी ना किसी रूप में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। स्टे नॉलिफाइड।